नमस्ते। यहाँ पर इस वीडियो में जीकैम का जो लेटेस्ट वर्जन है हमने इंस्टॉल किया है पोको F5 डिवाइस के ऊपर। गूगल कैमरा 9.2 का जो अपडेट है यहाँ पर हमने इंस्टॉल किया है। BSG करके डेवलपर की तरफ से ये जो जीकैम का जो बिल्ड है देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 14, एंड्रॉयड 15 के साथ ये जो जीकैम का जो अपडेट है काम कर जाएगा। यहाँ पर हमने पोको F5 डिवाइस के ऊपर जीकैम 9.2 का जो अपडेट है लेटेस्ट वर्जन है इंस्टॉल किया है। इस वीडियो के दौरान फोटो सैंपल एंड सेटिंग्स वगैरह के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक देखना। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस बाय लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके जरूर से चेकआउट करके देखना। सबसे पहले यहाँ पर इस जीकैम का जो है डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, वहां पर जाके इस जीकैम को पोको F5 डिवाइस के लिए डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद पहली दफा जब आप ओपन करोगे कुछ परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो है फोटोज वगैरह को क्लिक कर सकते हो। एंड बाय डिफॉल्ट मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से एनेबल है, आपको अलग से जो मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है उसे एनेबल नहीं करना होगा। 1x 2x का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, 10x तक जूम का जो ऑप्शन है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर वार्म टोन कूल टोन का ऑप्शन है एंड यहाँ पर शेडो एंड ब्राइटनेस को भी एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर मैनुअल मोड वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर बात कर लेते हैं फोटो सैंपल के बारे में। हम जो है यहाँ पर लाइव आपके सामने जो है फोटो क्लिक करने वाले हैं पोको F5 डिवाइस के साथ जीकैम 9.2 के साथ। देखते किस तरह से यहाँ पर फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर ऑटो वाइट बैलेंस का जो ऑप्शन है एनेबल कर दिया है। ऑटो वाइट बैलेंस के साथ जो है एक्यूरेट कलर देखने को मिलेगा, नेचुरल कलर देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पर जो HDR मोड का जो ऑप्शन हमने एनेबल किया है, फिलहाल हम HDR मोड के साथ फोटो क्लिक करने वाले हैं। उसके बाद जो है HDR एनहांस मोड के साथ भी हम फोटो क्लिक करने वाले हैं। एंड यहाँ पर जो टॉप शॉट का जो ऑप्शन है फिलहाल हमने यहाँ पर डिसेबल कर दिया है। एंड यहाँ पर 16:9 को हमने सेलेक्ट किया है एंड फोकस को हमने यहाँ पर ऑटो में सिलेक्ट किया है। इसके अलावा यहाँ पर प्रो मोड में लेंस सिलेक्शन जो है ऑटो में सिलेक्ट है। तो यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस मोड ऑन है, HDR मोड ऑन है एंड टॉप शॉट को बंद कर दिया है। ऐसे भी ऑप्शन के साथ हम जो है फोटो क्लिक करने वाले हैं पोको F5 डिवाइस के ऊपर। इसके अलावा हमने सभी जो ऑप्शन है उसे डिफॉल्ट सेटिंग्स में जो है यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर जल्दी से फोटो क्लिक करते, तो यहाँ पर पहले हम जो है मेन लेंस के साथ फोटो क्लिक करने वाले हैं एंड देख सकते हो काफी फास्ट यहाँ पर शटर स्पीड देखने को मिल जाएगा। इवन 1x से 2x में जो है काफी फास्ट यहाँ पर स्विच कर सकते हो। यहाँ पर प्रोसेसिंग वगैरह जो है काफी फास्ट देखने को मिलेगा, शटर स्पीड जो है काफी बढ़िया है। इसके अलावा और भी कुछ फोटो क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हम 1x 2x के साथ जो है मल्टीपल फोटो क्लिक कर रहे हैं। सभी फोटो के साथ जो है काफी फास्ट यहाँ पर जो शटर स्पीड है देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर फोटो क्लिक करने के दौरान जो सेव आइकॉन है वो भी देखने को मिलेगा एंड डेफिनेटली काफी हद तक क्लोज टू एक्यूरेट कलर देखने को मिल जाएगा, नेचुरल कलर देखने को मिल जाएगा इस जीकैम के साथ। और भी कुछ फोटो क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है IQ12 डिवाइस एंड यहाँ पर फोटो को हम क्लिक कर रहे हैं एंड सच में काफी फास्ट यहाँ पर फोटो जो है क्लिक हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो HDR एनहांस मोड है इसे एनेबल करते हैं। HDR एनहांस मोड के साथ जो है मल्टीपल फ्रेम के साथ फोटो क्लिक कर सकते हो। अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट जो है ऑप्शन सिलेक्ट है, तो हमने यहाँ पर HDR एनहांस मोड को एनेबल किया है। देख सकते हो HDR एनहांस मोड के साथ जो है मल्टीपल फ्रेम के साथ फोटो क्लिक होता है एंड फोटो के ऊपर जो डिटेल्स वगैरह जो है यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, बढ़िया क्वालिटी देखने को मिल जाएगा फोटो के साथ फॉर श्योर। एंड और भी कुछ फोटो क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर जो है अल्ट्रावाइड लेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, अल्ट्रावाइड लेंस के साथ भी फोटो क्लिक करते हैं। इवन यहाँ पर जो मैक्रो लेंस है वो भी अवेलेबल है, मैक्रो लेंस के साथ भी आप जो है फोटो वगैरह को क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर बात कर लेते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, तो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है सिंपली जो मेन लेंस है इसे सिलेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर मेन लेंस को सिलेक्ट किया है, फुल HD एंड 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमने फुल HD एंड ऑटो FPS को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग है यहाँ पर काम कर जाएगा। एक चीज़ हमने नोटिस किया है, तो फिलहाल देख सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पर बंद हो गया है, तो फिर से यहाँ पर
4K 30fps सेलेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर 4K 30fps सेलेक्ट किया है। अभी फिलहाल ट्राई करके देखते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग काम करता है नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट हो गया है, एंड यहाँ पर 1x में जो है वीडियो जो है यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, बट कुछ इस तरह से जो है क्वालिटी देखने को मिल रहा है। फिलहाल एक चीज़ आप नोटिस करोगे, 1x एंड यहाँ पर 2x के साथ कोई इशू नहीं है, जूम वगैरह काफ़ी सही देखने को मिलेगा, बट फोटो एंड वीडियो में स्विच करने के बाद जो है यहाँ पर क्वालिटी वगैरह में जो है थोड़ा सा यहाँ पर इशू देखने को मिलता है। देख सकते हो कुछ इस तरह से क्वालिटी वगैरह में जो है डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पर 2x के साथ भी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए आप स्टॉक कैमरा यूज़ करो, फोटो वगैरह क्लिक करने के लिए आप जीकैम यूज़ कर सकते हो। जीकैम के साथ फोटो के ऊपर बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलेगा, बट वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इतना अच्छे से जो है जीकैम फिलहाल काम नहीं कर रहा है। बात कर लेते हैं पर फ्रंट कैमरा के बारे में। यहाँ पर फ्रंट कैमरे के साथ जो है ऑटो वाइड बैलेंस का ऑप्शन है, HDR एनहांस मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, फेस रिटचिंग का ऑप्शन है, ऐसे भी ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो फ्रंट कैमरे के साथ भी कुछ फोटोज वगैरह को क्लिक करते हैं पोर्ट्रेट मोड एंड यहाँ पर फोटो के साथ। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरे के साथ भी जो है HDR एनहांस मोड काम कर जाएगा, जो कि काफी सही है, एंड पोर्ट्रेट मोड वगैरह भी काम कर रहा है। फिलहाल यहाँ पर बात कर लेते हैं फोटो सैंपल के बारे में। तो यहाँ पर काफी हद तक क्लोज टू एक्यूरेट कलर देखने को मिल जाएगा, नेचुरल कलर देखने को मिलेगा जीकैम 9.2 के साथ। डेफिनेटली यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस के साथ जो है काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा, एक्यूरेट कलर देखने को मिलेगा, कलर शेडो के साथ भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा, एंड फोटो के ऊपर डिटेल्स वगैरह जो है काफी सही देखने को मिलता है। प्लस फोटो के ऊपर जो नॉइज वगैरह है उसे भी जो है रिड्यूस किया गया है, एंड डायनेमिक रेंज भी बढ़िया है। तो हमने यहाँ पर नॉर्मल जो HDR मोड है उसके साथ ही सभी फोटो क्लिक किया है। ओवरऑल फोटो के साथ जो यहाँ पर सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट के ऊपर काफ़ी बढ़िया बैलेंस देखने को मिल जाएगा, एंड अल्ट्रावाइड लेंस के साथ भी आप जो है यहाँ पर HDR मोड की यूज़ कर सकते हो। डेफिनेटली इस गूगल कैमरा को आप एज ए डेली ड्राइवर की तरह यूज़ कर सकते हो फोटो क्लिक करने के लिए, एंड बेटर कलर विद बेटर डिटेल्स देखने को मिल जाएगा कम नॉइज के साथ। प्लस परफॉर्मेंस भी काफ़ी फास्ट है, बहुत ही फास्ट आप यहाँ पर फोटो क्लिक कर सकते हो, एस्ट मोड काम कर जाएगा, नाइट साइड मोड काम कर जाएगा। ओवरऑल एक्सलेंट नेचुरल कलर के साथ जो है फोटो को क्लिक कर सकते हो, एंड यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है OIS वगैरह का जो ऑप्शन से काम नहीं करेगा। अगर बात करें पर वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, तो जैसे आपको पता है वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो इतना अच्छा बढ़िया क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट कैमरा सही है, बढ़िया कलर देखने को मिलेगा, पोर्ट्रेट मोड भी काम कर जाएगा। तो यहाँ पर वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए आप सिंपली जो स्टॉक कैमरा है उसे यूज़ करो, एंड जीकैम के साथ आप जो है काफ़ी बढ़िया पोर्ट्रेट मोड, नाइट फोटोग्राफी, इवन जो है लैंडस्केप फोटोग्राफी कर सकते हो नेचुरल कलर के साथ। तो फोटो के लिए जीकैम यूज़ करो, एंड वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए स्टॉक कैमरा को यूज़ कर सकते हो। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। चलो बाय बाय।